हाय, तो जैसा कि आप सबको पता है कि BTS के मेंबर V का न्यू सोलो एल्बम कल ही रिलीज किया जा चुका है, जो कि उतना ज़्यादा धमाल नहीं मचा पाया, क्योंकि इससे पहले जब भी BTS V का सोलो सॉन्ग रिलीज होता था तो मिनटों में कई मिलियंस व्यू पार कर जाते थे। लेकिन ऐसा अचानक से कैसे हो गया कि वी का रेनी डे सॉन्ग उतना ज़्यादा खास व्यू नहीं बटोर पाया? तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वी के बारे में बहुत बड़ी बात पता चली है। इसे जानने के बाद आप सबके पैरों की तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी कि किस तरह से BTS मेंबर वी के सोलो कैरियर को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे कि वी का सोलो कैरियर ख़त्म हो जाए और वो अपना केपॉप इंडस्ट्री से खुद को अलग कर ले। तो आर्मी, आप सबको बता दें कि कुछ दिन पहले ही वी ने अनाउंसमेंट कर बताया था कि उनका सोलो सॉन्ग सेप्टेम्बर में रिलीज होने वाली है। तभी से ही सोशल मीडिया पे एंटी कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि वी के सॉन्ग को बायकॉट किया जाए, उनके म्यूजिक वीडियो को किसी तरह से स्ट्रीम नहीं होने दिया जाए, जिससे कि उनके सॉन्ग पर कम से कम व्यूज मिले और वो फ्लॉप के लिस्ट में शामिल हो जाएं। और इसका सर कल का सोलो एल्बम रेनी डे पर दिख रहा है, जिसके बाद BTS के हेटर्स के पोस्ट इस तरह से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि आप सभी इस वीडियो में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से एंटी पेज पर कई सारे पोस्ट की भरमार लगी हुई है। BTS V के खिलाफ ऐसे कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि इस तरह के कैंपेन चलाए जाने वाले कोई और नहीं बल्कि ब्लैकपिंक के टॉक्सिन फैंस हैं, जो कि V के सोलो करियर को बर्बाद करने के लिए ब्रेक ले आउट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जिसमें पूरे रूल्स के साथ कहा जा रहा है कि वी के एल्बम को प्रमोट नहीं किया दिया जाए, उनका कोई भी सोलो सॉन्ग को स्ट्रीम नहीं होने दिया जाए। साथ ही 50 से ऊपर अकाउंट से यूट्यूब पर जाकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि वी का सॉन्ग को 510 से ऊपर व्यू नहीं जाने दिया जाए, ज़्यादातर लोगों तक वी का सॉन्ग भी नहीं पहुंच पाया। साथ ही लोग वी के सॉन्ग को लोग हेट कर रहे हैं, वी की आवाज़ अच्छी नहीं है, उनकी वॉइस बिल्कुल ख़राब है। ये सब हेटर्स का कहना है कि लोग इस तरह के कमेंट करें कि किसी तरह से वी का सोलो करियर बर्बाद हो जाए और वो केपॉप इंडस्ट्री को छोड़ दे। दोस्तों, इन सब बातों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप एक रियल BTS आर्मी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि वी का न्यू सॉन्ग ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और वी हमेशा ही टॉप पे रहे। सभी कुछ टॉक्सिक फैंस के वजह से वी को कुछ नहीं होगा और ना कुछ बिगाड़ पाएगा। तो आप सबको वी का रेनी डे सॉन्ग